नमस्कार, मैं रंजिया सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार का गला कटा, पीड़ित हुआ गंभीर रूप से घायल। नजीबाबाद तहसील के सामने फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर रहा बाइक सवार नाजिम चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गया, जिसे लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। लगातार हादसों के बाद भी चाइनीज मांझे की बिक्री थमने का नाम नहीं ले रही, जिसकी बिक्री को अदालत ने पूरी तरह बैन किया हुआ है। बता दें कि लगातार हादसों के बाद भी धड़ल्ले से बिक रहा है चाइनीज मांझा। दुकानदार कमाई के चक्कर में प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर चोरी छुपे बेच रहे हैं। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। ये पेशेंट है जिसका गला जो है मांझे से कट गया है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए आप। जी, ये नाजिम पेशेंट है, 25 साल उम्र है इनकी और शादीशुदा हैं, बच्चे हैं दो इनके। तो इन्होंने बताया कि ये जा रहे थे और ये पतंग के मांझे से इनकी गर्दन बहुत ज़्यादा गहरी डीप कट गई थी अंदर तक, मतलब नसें भी कट गई थी और ब्लीडिंग बहुत हुई। बल्कि यहाँ से तो खून निकला, जो इनका कान था कान भी कट गया था, उससे भी बहुत खून निकला। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह से जो ये पतंग के मांझे तो और क्या आपने ऑपरेशन किया? हाँ जी, ऑपरेशन करके उसको जितने भी ब्लीडर थे उन्हें कंट्रोल किया गया। हालत तो सीरियस थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके रिश्तेदारों ने भी हमारा सहयोग किया कि आप करिए इस काम को, तो हमने भी इस स्टेप को ले लिया और पेशेंट ठीक हो गया। अभी थोड़ा 24 से 48 घंटे इनकी देखभाल रहेगी। देखिए, खतरा तो रहता ही है, रिस्क रहता है इसमें, लेकिन यह है कि हम दुआ करते हैं मालिक से कि इन्हें जल्दी स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। बाल बच्चूदार आदमी है ये। और लेकिन मैं एक बात ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जैसे ये इस तरह के मांझे यूज़ हो रहे हैं चाइनीज़, तो इससे इतना पब्लिक का नुकसान होता है। अक्सर किसी का हाथ कट गया, किसी की गर्दन कट गई, आपने खुद भी देखा होगा। कई बार मैं भी बाइक से जा रहा था तो मेरे ऊपर ऐसे आ गया धागा, तो वो तो बच गए हम। और एक मैंने आपके मीडिया के जरिए पता चला कि कोई एक लड़का जा रहा था अपनी बहन को लेके, उसकी इतनी ज़्यादा गर्दन कटी कि वो वहीं ख़त्म हो गया, मौके पे इतना खून बह गया। तो मैं शासन प्रशासन और आप लोगों के माध्यम से ये चाहूँगा कि हमारी जो पब्लिक को इतनी प्रॉब्लम होती है, तो हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद भी ऐसी चीज़ों का यूज़ ना करें और इसको बैन ही कर दिया जाए, बिल्कुल बंद कर दिया जाए तो अच्छा है, ताकि लोगों की जान माल इससे बचे और नुकसान ना हो। ये रिक्वेस्ट है आप जी, ये मेरी रिक्वेस्ट। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।